अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप घर पर ठीक ठाक होंगे। आज हम हकीम मंजूर की गजल के दूसरी गजल के तशरीह और तफहीम करेंगे। गजल का मकता इस तरह है, सूखे हुए पेड़ों पर हवाओं ने लिखा है, इस शहर की मिट्टी में न खुशबू न वफा है। दूसरा शेर है, जल थल अभी को सार है पामाल शजरजार, बादल का ये करतब है वो सूरज की अदा है। ये बात अलग उसका न वो रंग न वो रू, मानने के ताल्लुक से वफा अब भी वफा है। खुशियों खुशबू अगर खुशबू है अगर खुशबू तो आवार ये सहरा, नगमा है अगर नगमा तो पाबंद सदा है। कदमे नहीं मादून सनोबर तो सफेदा, बेखौफ अगर धूप नहीं है तो सजा है। आसूदा नहीं आप ही खुद में कोई इजहार, खामोश हर एक लब है मगर हश्र बपा है। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये थी गजल। अब मैंने गजल से चंद अल्फाज जो मुझे लगे कि आपकी आपके को ये मुश्किल लगेंगे, आपको ये दकीक लगेंगे, मुश्किल लगेंगे, वो मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं। मैं इनको सरसरी पढ़ता हूँ। जल थल सर सब्ज होना सेरा होना, पामाल रोंदना करतब कमाल, शजरजार दरख्तों का झुंड, आसूदा खुशहाल मुतमईन। ये कुछ न अल्फाज हैं जिनकी मैंने आपको जिनका मैंने आपको बताया, ये मैंने बताया। अब मैं इसको थोड़ा तशरीह इसकी करूँगा। हकीम, सूखे हुए पेड़ों पर हवाओं ने लिखा है, इस शहर की मिट्टी में न खुशबू न वफा है। हकीम मंजूर जो एक नामवर अदीब, नामवर शायर और एक खबर नवसर अखबार के मदीर आला थे, और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में नाज़िम तालीमात भी थे, वो एक जाने माने बरसगीर के एक जाने माने शायर गजल को शायर हैं। इनकी ये गजल है, सूखे हुए पेड़ों पर हवाओं ने लिखा है, इस शहर की मिट्टी में न खुशबू न वफा है। यानी ये लिखते हैं कि हवाओं ने सूखे हुए पेड़ों पर लिखा है। इन्हें हवा यहाँ इसका मतलब है कि हवा हम कलाम है, हवा कह रहा है कि सूखे हुए पेड़ जो है इंसान, ये कश्मीर जो है यहाँ मुख्तलिफ मौसम होते हैं, साल में चार मौसम होते हैं, बहार होता है, गर्मा होता है, खजां होता है, सरमा होता है। सरमा में क्या होता है कश्मीर में, खुसूसन कश्मीर में क्या होता है कि पतझड़ लग जाता है, मौसम इस मौसम में पतझड़ लग जाता है। यानी दरख्तों के पत्ते सर्दी की वजह से, सर्द मौसम की वजह से दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं और दरख्त खाली पत्तों के बगैर रहता है। दरख्त ऐसा लगता है कि सूखा, दूर से अगर हम देखेंगे हम सोचेंगे कि सूखा हुआ पत्ता है, पेड़ है, लेकिन ये सूखा हुआ नहीं होता है। ये खजां के मौसम की दलील है कि उस खजां के मौसम में जब पत्ते गिरते हैं तो दरख्त क्या लगते हैं, सूखे हुए लगते हैं। हवा कहता है कि जिस तरह ये मौसम बदला, इसी तरह जो ये मिट्टी है, कश्मीर की मिट्टी है, कश्मीर की जमीन जो है, कश्मीर की बुनियाद समझो ये है, कश्मीर की बुनियाद जो है, कश्मीर की बेस जो है, इसमें इसी तरह जिस तरह मौसम बदलते रहते, इस तरह ये जो लोगों का मिजाज है, जो लोगों का मिजाज जो है वो भी बदलता है। इसमें न खुशबू होती है न वफा रहता है, यानी ये बेवफा लोग होते हैं कश्मीर के लोग जो है। इनके कहने का मतलब कि कश्मीर के लोग वफादार नहीं है, उनमें वफा नहीं है, उनमें खुशबू नहीं है। खुशबू मीन्स खुशबू होती है वो इंसान जब सूंघता है तो उसमें बू जो आती है वो खुशबू होती है, अच्छी बू जो होती है वो खुशबू होती है, उससे दिमाग इंसान का दिमाग और दिल मुअत्तर होता है। लेकिन कश्मीरी ऐसे हैं कि ये किसी को खुश नहीं करते, इनमें वफादारी नहीं होती है, ये काबिले वफा नहीं होते, ये काबिले एतमाद नहीं होते, ये एक ही डगर पर रहने वाले नहीं होते,
बल्कि इनका मिजाज हमेशा मौसम की तरह बदलता रहता है। जल थल अभी को सार है पमाल शजरजार, बादल का ये कर्तव्य है वो सूरज की अदा। सूरज जो हमेशा मशरक से निकलती है और मगरिब की तरफ जाती है, ये रोशनी देती है और ये गर्मी भी देती है। इसलिए इसी तरह बादल जब आसमान पर होते हैं तो इनका काम है, बारिशों का काम है बादल बरसाना। बादल का काम है बारिश बरसाना। जब ये बारिश आती है तो जिस जगह पर भी ये पड़ती है बारिश, उस जगह जल और थल हो जाता है, यानी सरसब्ज शादा बनाता है। सैराब उस जगह को करता है बारिश से ये बादल। ये यहाँ कहता है कि बादल जल थल अभी कोसार है, ये कोसार की बात करते हैं, ये पहाड़ की बात करते हैं, ये कोहो बियाबान की बात करते हैं कि वो भी इस बारिश के कर्तव्य से, इसके काम से, इसके कर्तव्य से ये क्या हो गया है कि जल ये पानी से सैराब हो चुका है। और बामाल शजरजार, शजरजार शजर दरख्त को कहते हैं, शजरजार जहां बहुत सारी दरख्त इकट्ठे एक ही जगह हों। दरख्त का झुंड, दरख्तों का एक तवील सिलसिला, जंगल भी हम कह सकते हैं इसको, बागात भी कहते हैं। यहाँ कोई किसी जगह एक ही जगह नखलिस्तान जैसा होता है, मतलब एक ही जगह बहुत सारे दरख्त होते हैं। वो दरख्तों के जो इसकी शाखें होती हैं, दरख्त की जो टहनियां होती हैं, वो क्या होती है, वो इस बारिश की वजह से इसकी वजह से नीचे आती है और वो पायमाल होती है, वो पाओ तले रौंदी जाती है, वो पाओ तले मतलब होती है। ये किसके कर्तव्य है, ये बादलों के कर्तव्य से होता है। और सूरज भी, सूरज का काम भी है रोशनी फैलाना। ये बात अलग उसका न रंग न वो रंग न वो रूह, माने के ताल्लुक से वफा अब भी वफा है। अगर माने का जहां तक ताल्लुक है, वफा हम लफज, अगर हम लफज वफा लेंगे तो लफज वफा का मतलब है, यानी इसकी वफा कहने से इसकी अहमियत नहीं होती है, मतलब इसकी वफा की न शक्ल होती है, न रंग होता है, न ढंग होता है, न खूबी होती है, न कोई अच्छाई होती है ऐसे वफा लफ्ज में। अलबत्ता जब वफादारी आती है, वफादारी की खूबी होती है, यानी जब ये वफादारी में तब्दील होता है ये वफा, यानी किसी पर अप्लाई होता है समझो, तो तब इसका होता है क्या, मायने के ताल्लुक से वफा अब भी वफा है। वफा तो वफा ही है, यानी वफा से कोई फायदा, कोई खूबी, कोई अच्छाई इसमें नहीं होती है, यानी इसका वही रंग है, इसका वही रूप है, इसका वही ढंग है, इसका वही, इसकी वही खूबी होती है। लेकिन जब ये वफादारी में तब्दील हो जाए, जब ये कोई वफा करते हैं, तो वफादारी की खूबी यह है, वफादारी की खूबी यह है कि जो जब कोई किसी का वफादार होता है तो वो, इसका मतलब है कि वो उसको फायदा पहुंचाता है। और जब ये जज्बे से, सदाकत के जज्बे से, बेलोस जज्बे से, फुल जज्बे से, मतलब अच्छे जज्बे से जब ये वफा इस्तेमाल हम करते हैं तो उसी को वफादारी हम कहते हैं। जब अच्छा जज्बा हो, जब सच का जज्बा हो, जब सदाकत का जज्बा हो, जब मल यह पुरखलोस जज्बा हो, तो ये वफादारी जो है, वफा जो है वो उसको वफादारी बोलते हैं। तो वफादारी जो है वो इंसान के काम आती है, तब इसकी मायने निकलते हैं, वरना इसका रंग रूप वफा मायने कुछ नहीं होता है। नगमा अगर नगमा तो पाबंद सदा, खुशबू है अगर खुशबू तो आवारी है सहरा। नगमा अगर नगमा तो पाबंद सदा है, खुशबू जो होते हैं, खुशबू है अगर खुशबू, अगर कोई बू हो वो अच्छी बू हो, अच्छी बू होने से उसका कोई मतलब नहीं निकलता, वो कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तो आवारी है सहरा। अगर वो सहरा में हो, अगर कोई बड़ी जगह पर हो, ऐसी जगह पर जो खुली फिजा हो, खुली जगह हो, खुला मैदान हो, वहां हो, लेकिन वहां कोई इसको, इसकी बू लेने वाला नहीं है, इसकी ये खुशबू, इसकी वो मुस्कान जो होती है, इसकी बू जो होती है वो कोई नहीं सूंघता, तो फिर क्या है, खुशबू अगर खुशबू है तो आवारी, ये सहरा में
फेरती रहती है, चलती रहती है, भागती रहती है, इधर उधर करती रहती है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई इससे मुस्तफीद नहीं होता है, कोई इससे फायदा नहीं होता है, कोई इससे मुअत्तर नहीं होता है, कोई इससे मुतमईन नहीं होता है। नगमा अगर नगमा तो पाबंद सदा है, लेकिन नगमा जो है, नगमा तो नगमा ही है, नगमा अच्छा है, मतलब नगमे का मतलब है अगर इसको गुनायत हो, अगर इसको गुना, अगर हम इसको गुनगुनाए, अगर इसमें गनायत पैदा करें, अगर इसमें लाई पैदा करें, अगर इसमें तरन्नम पैदा करें, अगर इसमें सदा लाए, मतलब अवजार, ऐसे अवजार लाए जो इसमें सदा पैदा करें, तो नगमा, जब नगमा होता है, मतलब ऐसे नगमा होता है, मतलब गाने के बगैर या तरन्नम के बगैर या सदा के बगैर या आवाज के बगैर, तो वो उसको कोई, उसका कोई मतलब नहीं होता। ये तरन्नम, ये गनायत, जिससे जब ये लबरेज होता है तब ये अपना मायने देता है, तब वो हमें अच्छा लगता है, तब वो हमें दिल को लुत्फ देता है, तो वो हमारे दिमाग को मुअत्तर, ये खुश करता है, हमारे दिल को खुश करता है, हमारे दिमाग को खुश, हमें हशाश और बशाश बनाता है। कद में नहीं महदूद सुनो बर तो सफेदा, बेखौफ अगर धूप नहीं है तो सजा है। कद में नहीं महदूद, यानी कद इसका दराज होता है, कदो काम तेरी सर्व कामत से एक कदे आदम, कयामत गालिब कहता है कि तेरे सर्व कामत से एक कदे आदम, कयामत के फितनों को कम देखते हैं, यानी यो जो तेरे सर्व कामत से, यानी सर्व जो जो सनोबर होता है, सनोबर ये लंबा होता है और सफेदा जो होता है ये भी दरख्त है, ये भी सफेद, लेकिन दोनों की अलग अलग खासियतें हैं, दोनों की अलग अलग खूबियां हैं, दोनों की अलग अलग अच्छे अच्छी चीजें हैं, अच्छे गुण अलग अलग हैं, यानी हर एक गुण अलग अलग है। बेखौफ अगर धूप नहीं है तो सजा है, जो धूप है अगर ये बेखौफ नहीं है, यानी धूप अगर हो, मतलब कम धूप है, मतलब सर्दी होती है, सर्दी के मौसम में धूप इंसान को अच्छी लगती है, सर्दी के मौसम में धूप इंसान धूप तापता है तो मजा आता है धूप तापने में, लेकिन गर्मी के मौसम में जब ज्यादा गर्मी होती है तो इंसान को, इंसान का बदन जल जाता है उससे, वो इसमें चल नहीं सकता, वो इसमें फिर नहीं सकता, वो इसमें रुक नहीं सकता, वो इसमें बैठ नहीं सकता, इसलिए धूप भी अगर हो वो क्या है, वो धूप तो मजबूत होनी चाहिए, उसमें मतलब एक ही बैलेंस होनी चाहिए, यानी न ज्यादा तेज होनी चाहिए न ज्यादा कम होनी चाहिए, अगर कम हो चाहे तेज हो, ये क्या है, इंसान के लिए एक सजा है, ये भी इंसान को सजा देती है, लेकिन अगर मरतूब हो, मोतजिल अगर हो धूप, तो ये इंसान के लिए अच्छा है, एक बंदे को मसरूर करते हैं। आसूदा नहीं आप ही खुद में कोई इजहार, खामोश हर एक लब है मगर हश्र बपा है। आसूदा नहीं, खुशहाल नहीं, मुतमईन नहीं, जब आप मुतमईन नहीं हो, जब आप खुशहाल नहीं हो, जब आप आसूदा हाल नहीं हो, जब आप अमीर नहीं हो, जब आपके पास दौलत नहीं हो, या किसी चीज की फरावनी नहीं हो, किसी भी चीज, एक जरूरी नहीं है रुपये की फरावनी हो, ये मोहब्बत की फरावनी भी हो सकती है, ये दौलत की फरावनी भी हो सकती है, ये इज्जत की फरावनी भी हो सकती है, ये मुख्तलिफ गुणों की फरावनी हो सकती है, मुख्तलिफ खूबियां जो इंसान में है उनकी फरावनी हो सकती है। आसूदा नहीं आप ही खुद में कोई इजहार, आप ही खुद में कोई इजहार, जो जो इंसान की खूबी होती है, जो इंसान की आसूदा हाली होती है, वो खुद ही खुद, आप ही आप, वो अपना इजहार करते हैं। आसूदा नहीं, अगर आप में वो नहीं है, वो खासियत नहीं है, वो खुशहाली नहीं है, वो खूबी नहीं है, तो ये खुद ब खुद इजहार ये टपकता है, आपकी बात से टपकता है। खामोश हर एक लब है, और खामोश हर एक लब है, लब होंठ को कहते हैं, मुंह होंठ, जो होंठ अगर बात नहीं करे, यानी होंठ अगर इसको बयान नहीं करे आपकी आसूदगी या ना आसूदगी को, आपकी खुशहाली या बदहाली को, अगर होंठ बयान नहीं कर सकते, फिर भी क्या है, मगर दिल में जो होता है, दिल में जो होता है तत्मीन कुलूब, इत्मीनान कलब जो होता है, वो अगर इंसान के पास आसूदहाली नहीं हो, अगर इंसान के पास अच्छाया नहीं हो, अगर अमीर के पास रुपया नहीं हो,
अगर एक आदमी के पास मतलब बहुत सारी चीजें वो जो जिनसे वो खुशहाल रहता है, तो इंसान का होंठ चाहे बोले न बोले, इंसान का मुंह चाहे बोले न बोले, इंसान के लब चाहे बोले न बोले, मगर दिल जो होता है, दिमाग जो होता है, चेहरा जो होता है, वो इसकी अकाशी करता है, वो हश्र बापा करता है, वो चीखता चलाता है, वो पुकारता है, वो सीधा हमें इंसान जो आगे वाला इंसान होता है, जो इसके सामने वाला आदमी होता है, वो खुद ब खुद महसूस करता है कि इसके पास असुधा हाली नहीं है, इसमें इसके पास फलानी चीज की कमी है, इसके पास फैसलानी चीज की कमी है, इस पे इसके पास मतलब कुछ मुश्किल आता है इसको, जिनकी ये आशा खुले चेहरे पर होते हैं। ये थी प्यारे बच्चों, ये थी आज की गजल की तफहीम। अब नए मौजू लेकर नए दिन हम जिस जब दूसरा क्लास होगा तो उस वक्त हम आएंगे नया मौजू लेकर। तब तक खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।